अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सलमान और आपको मैं और एक और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था विंड मिल के बारे में। उस विंड मिल में जो इस्तेमाल होती चीज़ें शेप फ्लावर थे, जिसे जर्मन में कहते हैं मोन। ये मोन फ्लावर, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं पपीस, और उर्दू में पपकियाँ कह सकते हैं। ये जो है इसके आप देख रहे हैं, ये इस जो ब्लैक कलर के जो इसके बीज हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ब्रेड वगैरह में। जर्मन में जिसे ब्रोचन कहते हैं बन, हम जिसे उर्दू में बन कहते हैं, जर्मन में कहते हैं ब्रोचन। वो सुबह को नाश्ते में खाया जाता है, ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, या जर्मन में आम लंच में। तो ये जो है इसके नॉर्मली आपको काश्तकारी करते हैं जमीनों में ज्यादातर। जैसे आप ये स्पागल देख रहे हैं, इसी तरीके से स्पागल की तरह ये उगाए जाते हैं। मगर यहाँ पे एक बात ये कि ये मतलब जंगली है। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप वो है प्राइवेट, आप नहीं जा सकते। यहाँ से अगर मैं तोड़ कर घर भी ले जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जंगली है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है ब्रेड में, इस्तेमाल होते हैं केक में, इस्तेमाल होते हैं। इसका केक भी मिलता है जिसको हम मोन केक कहते हैं, मोन जर्मन में बोलते हैं केक को, और ये इस्तेमाल होता है इसके। और ये जो मोन है, जो पपीस इसको पपकियाँ कहते हैं, वो ज़्यादातर विंड मिल में जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे भी इस्तेमाल होता था सबसे ज़्यादा। इनकी अपनी प्राइवेट जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो अपना खुद ही उगाते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं, और इनकी प्राइवेट अपनी ज़मीनें हैं, और उस ज़मीनों से वो जो आटा बनता है, या जो चक्की का आटा बनता है, या चावल का आटा बनता है, गंदम का आटा बनता है, तो वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और वो सेल आउट भी करते हैं मार्केट्स वगैरह में, जो आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो ये कंप्लीट ये मूल जो कंपनियों का एक जंगली क्या कहते छोटी सी एक फसल टाइप की, मतलब कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आ सकता है यहाँ पे ले जा सकता है। अभी ये तकरीबन अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी इनके बीज अभी तक नहीं हो गए, मतलब कंप्लीट होने के बाद इनके बीज ब्लैक कलर के वो आपको जाहिर से नज़र आएंगे, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे वीडियो के अंदर आपको मार्केट के अंदर जाके आपको मोन रोचन मोन बन दिखाऊंगा, और उसको दिखाऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे उनके ऊपर ये लोग जैसे केक की तरह पेस्ट की तरह वो डालते हैं, मगर वो पेस्ट नहीं होता, ऐसे ही मतलब उनके ऊपर रख दिया जाता है, जिससे वो रोचन को फालने को अच्छा लगे। तो आपको मैं मार्केट में जाके वो बन दिखाऊंगा और आप देखना, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कैसे लगी आपको वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।